स्टार्ट हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। हमने डिस्कस किया हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया मींस देयर इज इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। और नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं? मींस इफ देयर इज एनी स्टिमुलस, एनी स्टिमुलाई और एनी स्ट्रेस। और वो स्ट्रेस क्या हो सकता है? कोई भी ग्रोथ फैक्टर, कोई भी हार्मोन क्या काम करता है वो? फॉर एग्जाम्पल देयर इज ग्रोथ हार्मोन एंड एनी काइंड ऑफ ग्रोथ फैक्टर एंड हार्मोन्स, ये क्या काम करेंगे? ये हमारा स्टेम सेल है, ये स्टेम सेल को स्टिमुलेट करेंगे। अब स्टेम सेल स्टिमुलेट होने के बाद जो है वो बहुत ज्यादा सेल, न्यू सेल बनाएगा। और ये न्यू सेल कैसे बनाएगा? ये माइटोसिस से बनाएगा। ये क्या काम करेगा? देयर इज माइटोसिस, और माइटोसिस की वजह से जो है ये सेल इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स व्हाई देयर इज इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें हाइपरप्लेजिया, अगर किसी भी ऑर्गन में हाइपरप्लेजिया हुआ है तो हम उसको अगर माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो वहां पे सेल्स भी इंक्रीज होंगे, और उन सेल्स के अंदर जो माइटोटिक फिगर है वो भी ज्यादा होगा। मीन्स के वहां पे जो है वो सेल्स का नंबर माइटोसिस की वजह से ज्यादा हुआ। तो नेक्स्ट एक पॉइंट जो है वो आपने याद रखना है, बिनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट ड्यू टू एक्शन ऑफ हार्मोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो एक एंड्रोजन है। क्या है? ये एक एंड्रोजन है। ठीक है, ये एंड्रोजन जो है वो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर लगता है, जो कि इसके प्रोलिफ्रेशन की बायस बनता है। ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से नहीं होता, बल्कि डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये एमसीक्यूज है कि आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मेन काज ऑफ बीपीएच? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो इसकी वजह से बीपीएच होता है। तो इसमें हम फिर एंड्रोजन, एंटी एंड्रोजन ड्रग देते हैं। ठीक है, एंटी एंड्रोजन जो है वो ड्रग देते हैं, जो कि इसके इफेक्ट को, जिसको हम कहते हैं ऑक्टेरोटाइड। ठीक है, ये आप जो है वो पैथो नेक्स्ट फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे। ऑक्टेरोटाइड जो है वो एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग है, जो कि इसको इफेक्ट को खत्म करती है। तो ये हमने डिस्कस किया हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी। अब नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एट्रोफी। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कस करेंगे एट्रोफी। व्हाट इज एट्रोफी? देयर इज अ रिडक्शन इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू अ डिक्रीज इन द सेल साइज एंड नंबर। मींस इफ दिस वन इज अ नॉर्मल सेल, तो ये सेल जो है ये साइज में जो है वो स्मॉल हो गया, तो दिस इज अ स्मॉल साइज सेल, दिस इज कॉल्ड एट्रोफी। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एट्रोफी? एट्रोफी सेल हैव डायमिनिश फंक्शन, देयर इज डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। हमने हाइपरट्रोफी में पढ़ा था कि प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो जाती है, तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। तो देयर विल बी डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन इन द सेल्स। डेफिनेटली प्रोटीन सिंथेसिस एक कम हो जाएगी, और एक जो है वो प्रोटीन जो ऑलरेडी बनी है उसकी डिग्रेडेशन होगी, मीन्स कि उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो एट्रोफी हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज इन लाइक क्या हो सकता है? एट्रोफी किस वजह से होती है? लाइक स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए। अगर स्ट्रेस कम हो जाए, कौन सा स्ट्रेस हो सकता है? लाइक कोई भी डिक्रीज हार्मोन हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो है एट्रोफी हो सकती है, और डिसयूज हो सकता है, डिसयूज एट्रोफी हो सकती है, और कोई भी लाइक कोई भी अगर ब्लड की सप्लाई कम होगी, न्यूट्रिएंट सप्लाई कम होगी, जिसकी वजह से हो सकता है। ये सारे रीजंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी रीजंस जो हैं वो साइज को क्या करेगी? स्मॉल कर देगी, टिश्यू सेल के साइज को स्मॉल कर देगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि व्हाट आर द मॉर्फोलॉजी, ठीक है, व्हाट आर द मॉर्फोलॉजी ऑफ द एट्रोफिक सेल? मॉर्फोलॉजी मीन्स कि अगर हम उसको ग्रोसली देखें, सेल को बाहर से देखें और उसके माइक्रोस्कोपिकली देखें, तो ऑर्गन इज स्मॉल एंड ओपन श्रंकन। मीन्स वो ऑर्गन जहां पे एट्रोफी होगी वो छोटा नजर आएगा और सुकड़ा हुआ नजर आएगा, श्रंकन नजर आएगा। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो सेल्स आर स्मॉलर इन साइज ड्यू टू रिडक्शन इन सेल ऑर्गेनेल। डेफिनेटली
हाइपरट्रॉफी में ऑर्गेनेल्स जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन इसमें ऑर्गेनेल्स जो है वो कम प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से जो है वो सेल का साइज कम होगा। एट्रोफिक सेल हैव इंक्रीज लाइपोफ्यूसिन पिगमेंट, दिस इज अ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, कि ये जो लाइपोफ्यूसिन पिगमेंट होता है ये वियर एंड टियर, मीन्स के हमने पढ़ा इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन होती है सेल के अंदर, तो वो डिग्री इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन जो है वो एक वियर एंड टियर मीन्स के सेल के अंदर तोड़ फोड़ हो रही है। तो उसका जो एक हमारे पास उसका एक प्रूफ है वो लाइपोफ्यूसिन है। तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, आपसे पूछा जा सकता है किसी भी, तो ये रोबिन्स में इसको हाईलाइट किया हुआ है, आपने इसको अच्छे से याद रखना है कि एट्रोफिक सेल में अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो वहां पे लाइपोफ्यूसिन के पिगमेंट जो है वो ज्यादा होंगे, और वो किस चीज को शेयर करती है, देयर इज वियर एंड टियर सेल के अंदर हुआ, जिसकी वजह से वो लाइपोफ्यूसिन जो है वो प्रोडक्शन हुई है पिगमेंट्स की। अब काजिस जो है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल काजिस, और उसके बाद जो है पहले जो है हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ एट्रोफी। मेनली जो है वो दो मैकेनिज्म यहाँ पे होते हैं, एक तो मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस किया गया है जिसको हमने जिसको कहते हैं ओबिक्विटिन ओबिक्विटिन प्रोटियोसोम प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेल है, ये एक बड़ा सेल है, तो सेल के अंदर जो है वो डिफरेंट हमें पता है साइटोस्केल्टन होते हैं, ये है साइटोस्केल्टन, सेल का फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। तो क्या होता है, हम एक स्पेशल सेल के अंदर प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं ओबिक्विटिन, ये जो है ये डिफरेंट एरियाज के ऊपर इसको टैगिंग करते हैं हम, इन एरिया को टैग करने के बाद जो है फिर प्रोटियोसोम आते हैं, और ये प्रोटियोसोम जो है इस सेल्स को इस एरिया से जहाँ पे ओबिक्विटिन प्रोटीन होती है वहां से इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, वहां से इसको रिमूव करते हैं, और जिसकी वजह से अगर ये ऐसे बाहर के सेल को डिक्रीज करें उसको डिग्रेड करेंगे तो सेल का साइज जो है वो ऐसे कम हो जाएगा, मीन्स के यहाँ पे ओबिक्विटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है ये एट्रोफी होती है। और मेनली एट्रोफी जो है एट्रोफी मेनली एट्रोफी में आपने याद रखना है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है एपोप्टोसिस के थ्रू होती है, एपोप्टोसिस के थ्रू होती है, ठीक है। मेन जो मैकेनिज्म होता है वो एपोप्टोसिस होता है, और एपोप्टोसिस जो है वो उसमें एक प्रोसेस है ओबिक्विटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन पाथवे। और नेक्स्ट जो है जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ऑटोफैगी सिस्टम होता है, ऑटोफैगी सिस्टम होता है, एक होता है प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन पाथवे और एक आता है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी में क्या होता है कि वैक्यूल्स जो सेल जिस सेल ने एट्रोफी होना होता है वहां पे जो है वो वैक्यूल्स बनते हैं, और वो वैक्यूल जो है वो लाइसोसोम के साथ, लाइक ये एक सेल है ठीक है, तो इसके ऐसे वैक्यूल्स बने, ये वैक्यूल्स बने और ये लाइसोसोम है, ये इसके साथ अटैच हुए तो लाइसोसोम जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देगा और ऑटोफैगी हो जाएगी, मीन्स कि इसको एंजाइम जो लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो सेल के कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, टू मैकेनिज्म होते हैं ओबिक्विटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन पाथवे और ऑटोफैगी ऑफ सेलुलर कंपोनेंट, ठीक है, तो आपने ये इसको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर हम काजेज ऑफ एट्रोफी देखें, देयर इज फिजियोलॉजिकल एट्रोफी ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, लाइक एट्रोफी ऑफ एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर थायरोग्लोसल डक्ट। व्हाट इज थायरोग्लोसल डक्ट, हमारे टंग के पीछे एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं फोरामेन सिकम, फोरामेन सिकम वो एरिया होता है जहां से जहां पे थायराइड बर्ड होती है, थायराइड बर्ड मींस यहां से थायराइड बर्ड होता है, और यहां से थायराइड ग्लैंड जो है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जब उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो वो एक डक्ट के थ्रू नीचे को डिसेंड होता है, उस डक्ट को हम कहते हैं थायरोग्लोसल डक्ट, तो वो नीचे को डिसेंड होता है और आके थायराइड कार्टिलेज के फ्रंट पे जो है वो वहां पे उसकी प्रॉपर प्लेस होती है, ठीक है, और देन वो नीचे आता है और थायराइड ग्लैंड जो है प्रॉपर डेवलप हो जाता है, तो ये फिजियोलॉजिकल एट्रोफी है। जब थायराइड ग्लैंड अपने प्रॉपर प्लेस पे आ जाता है तो थायराइड
थायरोग्लोसल डक्ट है उसकी एट्रोफी हो जाती है और वो खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में वो नहीं होती। उस कंडीशन को हम कहते हैं परसिस्टेंट थायरोग्लोसल डक्ट। वो तो फिर किसी और कंडीशन में हम देखते हैं, ठीक है, वो थायरोग्लोसल सिस्ट बन जाती है और भी फिर पैथोलॉजी उसमें डेवलप हो जाती है। और ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ में इन्वोल्यूशन ऑफ द थाइमस, लाइक थाइमस जो है वो 15 से 20 ईयर के बाद जो है वो डिस्मिनिश होना, खत्म होना शुरू हो जाता है। एंड एट्रोफी ऑफ ब्रेन, गोनेड्स एंड हार्ट ड्यू टू एजिंग, लाइक सेनाइल एट्रोफी होती है। ठीक है, ये देखें, ये जो है हमारे ब्रेन का साइज कम हुआ है, ये साइज एट्रोफी हुई है, इसको कहते हैं सेनाइल एट्रोफी। ये डिफरेंट रीजन की एमाइलॉइडोसिस की वजह से भी हो सकती है, ठीक है, एजिंग प्रोसेस की वजह से जो है वो एट्रोफी होती है। ये हम डिस्कस करेंगे रिस्पेक्टिव टॉपिक्स में आगे। जैसे आपने फिजियोलॉजिकल एट्रोफी की एग्जांपल्स याद रखनी है फीटल लाइफ में और एडल्ट लाइफ में। एंड काजेज ऑफ एट्रोफी लाइक पैथोलॉजिकल कौन कौन सी है? वर्कलोड, डिक्रीज वर्कलोड, एट्रोफी ऑफ डिसयूज। लाइक अगर हम देखें, आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपके मसल्स जो है वो ज्यादा ग्रो करते हैं। अगर उन मसल्स को हम यूज ना करें तो वो डिसयूज एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर इनर्वेशन, ये देखें, इस कंडीशन में जो है हमारा मीडियन नर्व डैमेज हुई है, मीडियन नर्व डैमेज की वजह से जो है इस एरिया में जो है इनर्वेशन नहीं मिली। ये हमारे थिनार और ये हाइपोथिनार जो है मसल्स है, हाइपो थिनार मसल्स है, तो इनकी इनर्वेशन जो है प्रॉपर लॉस हो चुकी है, जिसकी वजह से देयर इज डी इनर्वेशन हाइपर एट्रोफी। और इफ देयर इज लेस ब्लड सप्लाई इरेगेट इन एडिक्वेट न्यूट्रिशन, लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन और प्रेशर एट्रोफी, ऑल दीज कंडीशन कैन लीड टू पैथोलॉजिकल एट्रोफी। और जनरलाइज जो होती है वो स्टारवेशन एट्रोफी होती है, लाइक प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन, जो हमने कंडीशन पढ़ी थी कशवर्क और मेरास्मस एंड कशवर्कस, तो उन कंडीशंस में जो है वो जनरलाइज एट्रोफी हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है जिसको हमने अडॉप्टेशन है जिसको हमने डिस्कस करना है, वो है हमारे पास मेटाप्लेजिया। व्हाट इज मेटाप्लेजिया? मेटाप्लेजिया इज अ रिवर्सिबल चेंज इन विच वन एडल्ट सेल टाइप इज रिप्लेस बाय अनदर सेल टाइप। तो इसमें क्या होता है कि एक सेल है वो दूसरी सेल के टाइप में चेंज हो जाता है, एडल्ट टाइप सेल टाइप में, तो इसको कहते हैं मेटाप्लेजिया। व्हाट आर द काजेज? अगर हम इसको डिस्कस करें तो डिफरेंट इसकी काजेज हैं। मेटाप्लेजिया इज यूजली फुली रिवर्सिबल अडॉप्टिव रिस्पॉन्स टू क्रॉनिक परसिस्टेंस इंजरी इफ द नेक्सियस स्टिमुलस इज रिमूव, लाइक स्मोकिंग, मेटाप्लास्टिक एपिथेलियम में रिटर्न टू द नॉर्मल। और किस कंडीशंस में होता है? लाइक इफ देयर इज एनी टिश्यू डैमेज, रिपेयर और रिजनरेशन जो है, इन कंडीशन में मेटाप्लेजिया हम देख सकते हैं। हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया इन सर्टेन केसेस में प्रोग्रेस टू डिसप्लेजिया एंड न्यूप्लेजिया, क्योंकि मेटाप्लेजिया से नेक्स्ट कंडीशन, अगर इफ देयर इज मेटाप्लेजिया और ये मेटाप्लेजिया के ऊपर स्ट्रेस कंटिन्यूसली रहे तो ये चेंज हो जाएगा डिसप्लेजिया में, और डिसप्लेजिया डेफिनेटली लीड टू न्यूप्लेजिया। तो ये कंडीशंस होती हैं जिसमें हम अगर स्ट्रेस रिमूव हो जाए तो वो मेटाप्लेजिया नॉर्मल कंडीशंस में आ सकता है, लेकिन अगर स्ट्रेस नाम रिमूव हो वो डिसप्लेजिया और न्यूप्लेजिया में चेंज हो जाता है। देन परसिस्टेंस ऑफ स्टिमुलस स्ट्रेस प्रोड्यूस मेटाप्लेजिया में डिस्पोज टू मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमने डिस्कस किया कि वो कैंसर का बायस बन सकता है। तो ये एक हमारे पास एक कंडीशंस है जिसमें अगर हम देखें स्क्वैमस मेटाप्लेजिया और नॉन सिलेटरी कोलोमनर एपिथेलियम के हमारे जो एयर वेज हैं, ठीक है, एयर वेज हैं, तो ये एयर वेज हैं, उसमें क्या होता है, नॉर्मली जो है वो सिलेटरी कोलोमनर एपिथेलियम होती है, लेकिन अगर वो चेंज हो जाए तो वो स्क्वैमस मेटाप्लेजिया में चेंज होते हैं। नॉर्मल सिलेटरी कोलोमनर एपिथेलियम स्क्वैमस टाइप में चेंज हो गई, तो इसको कहते हैं मेटाप्लेजिया। इस कंडीशन में भी देखें, दिस वन इज द कोलमनर एपिथेलियम, और ये कोलमनर जो है वो स्क्वेमस में चेंज हुई है, तो ये एयर वेस में जो है वो मेटाप्लेजिया हुआ है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेटाप्लेजिया? देयर इज एपिथेलियल मेटाप्लेजिया,
विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेटाप्लेजिया। आपने ये याद रखना है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेटाप्लेजिया इज अ एपिथेलियल मेटाप्लेजिया। तो इसमें जो टाइप्स होती हैं लाइक स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, ओरिजिनल स्क्वेमस, ओरिजिनल एपिथेलियम इज रिप्लेस बाय स्क्वेमस एपिथेलियम। रिस्पायरेटरी ट्रैक जो ऑलरेडी हमने देखा पीछे, उसमें जो है क्रोनिक इरिटेशन लाइक स्मोकिंग की वजह से जो है वो क्या होता है, कोलमनर एपिथेलियम जो है वो स्क्वेमस एपिथेलियम में चेंज हो जाती है। और सर्विक्स वगैरह में रिपीटेड क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से लाइक गनोरिया, ठीक है, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से स्क्वेमस मेटाप्लेजिया जो है वो सर्विक्स में हो सकता है। ये आपने जस्ट एग्जाम्पल्स इनकी याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कोलमनर एपिथेलियम मेटाप्लेजिया जो है, ओरिजिनल एपिथेलियम इज रिप्लेस बाय कोलमनर एपिथेलियम। तो कौन कौन सी कंडीशंस है लाइक स्क्वेमस टू द कोलमनर, हमारे नॉर्मल एसोफेगस में क्या होती है, जो है वो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, लेकिन रिपीटेड एसिड के बैक रिफ्लेक्स की वजह से लाइक एसिड यहाँ से ऊपर बैक रिफ्लेक्स होता है, एसिड रिफ्लेक्स की वजह से जो है वो हमारी स्क्वेमस एपिथेलियम जो है उसको बियर नहीं कर सकती, उस एसिड के स्टिमुलस को, उस एसिड के स्ट्रेस को बियर नहीं कर सकती, तो वो चेंज हो जाती है कोलमनर सेल्स में। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बैरेट एसोफिगस। बैरेट एसोफिगस एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, देयर इज स्क्वेमस टू कोलमनर मेटाप्लेजिया, ठीक है। नेक्स्ट, इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर रिप्लेस बाय सेल्स रिजेम्बलिंग दोज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो कनेक्टिव टिश्यूज हमारे होती हैं उनमें भी मेटाप्लेजिया होता है, उसकी एग्जाम्पल है ओशियस मेटाप्लेजिया। तो ओशियस मेटाप्लेजिया क्या होता है कि हमारे स्मूथ मसल्स वगैरह में न्यू बोन फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ओशियस मेटाप्लेजिया। फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन एट द साइट ऑफ टिश्यू इंजरी इज नाउन एज ओशियस मेटाप्लेजिया। और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस होती है। अगर हम इन कंडीशंस में देखें तो दिस इज द मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। क्या है ये चीज, इसमें क्या होता है कि अगर हमारे टिश्यूज में कोई इंजरी हुई है, कोई हैमरेज हुई है, इंटरमस्कुलर हैमरेज हुई है, लाइक ये है हमारा मसल, तो यहाँ पे हैमरेज हुई है, तो हैमरेज की वजह से ये जो है वो इस एरिया के टिश्यू जो है नॉर्मल टिश्यू बोन बना लेंगे, बोन फॉर्मेशन हो जाएगी, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मायोसाइटिस ओसिफिकेंस। अदर एग्जाम्पल देयर इज कार्टिलेज ऑफ द लेयरिंग्स, ब्रोंकाई इन एडल्ट इंडिविजुअल, स्कार ऑफ क्रोनिक इंफ्लामेशन ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, और स्ट्रोमा ऑफ द ट्यूमर लाइक लियोमायोमा। लियोमायोमा क्या होता है, लियोमायोमा इज अ फाइब्रॉइड्स होती हैं, फीमेल यूट्रस होती है, ठीक है, उसके अंदर जो है उसकी मायोमेट्रियम के अंदर जो है वो डिफरेंट ग्रोथ होती है, बेनाइन ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, लियोमायोमा कहते हैं, ठीक है। तो ये इस एग्जाम्पल है ओशियस मेटाप्लेजिया। तो इस लेक्चर में जो है हमने डिफरेंट स्टिमुलाई डिस्कस किए, और आई होप ये आपको इसका क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कर सकते हैं।